वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है ट्विनिंग्स ड्राइंग एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं बनाने वाली हूँ एक हैट जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और ये वीडियो एक डिमांडिंग वीडियो है, हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि आप हैट बना के सिखाइए। तो आज मैं एक हैट नहीं, चार चार हैट बना के सिखाने वाली हूँ। सो चलिए सीखते हैं हम ये वाली हैट। मैं ये चारों हैट बना के आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये हैट बने हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। सो दिस इज द हैट नंबर वन। ये हैट नंबर वन है और ये बहुत बेसिक टाइप का हैट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये हैट बनाना। सबसे पहले एक बेस लाइन मैं ड्रॉ करूँगी, वो मेजरमेंट आप डिसाइड कर सकते हो कि कितने का होगा आपका मेजरमेंट, और उसे हाफ पार्ट में डिवाइड कर देना है। हाफ पार्ट में डिवाइड करने के बाद एक टॉप में सर्कल ड्रॉ करके दोनों साइड से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर उन दोनों वर्टिकल लाइन को एक कर्व से कर्व शेप देना है, जिससे आपका हैट शेप तैयार हो जाएगा। जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आप भी बिल्कुल वैसा ही ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो ये थोड़ा सा हमारा टेढ़ा हो गया था, मैं इसे फिर से सेट कर रही हूँ। आप इसे ध्यान से देख सकते हो अपने वीडियो में। ओके, यहाँ पे हम एक स्ट्रिप बना देंगे जिससे हमारा हैट का लुक अच्छा आएगा। ओके, एंड फाइनल स्टेज इज दिस कि आपको एक बो बनाना है जिससे हमारा हैट ब्यूटिफाई हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, तो ये हमारा बो बन के तैयार है। लगभग हमारी हैट तैयार हो चुकी है, और इसे डार्क का शेड दे देना है। उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे शेडिंग। सो शेडिंग के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे 10B की पेंसिल। ओके, सो 10B पेंसिल आपको नॉर्मली किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगी, और नहीं मिलते तो आप अमेजोन से भी मंगा सकते हो। ये 10B की पेंसिल है, अप्सरा की पेंसिल। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, और आप वीडियो ध्यान से देखा कीजिए जिससे आपको हर एक टिप्स एंड ट्रिक्स मिल सके। तो पहली टिप है कि आपको अपनी शेडिंग ऊपर से नीचे की ओर करनी है। इसकी एडवांटेज ये है कि आप जब शेडिंग को टॉप टू बॉटम करते हो तो आपके हैंड से शेडिंग इधर उधर स्प्रेड नहीं होगा। अदरवाइज आप बॉटम टू टॉप जाओगे तो आपके हैंड से शेडिंग स्प्रेड होने लगेगा। ओके, सो फर्स्ट टिप इज दिस। एंड सेकेंड टिप कि आप शेडिंग के लिए यूजली 10B पेंसिल यूज करो। अदरवाइज आपके पास 10B पेंसिल नहीं हो पा रही है तो आप 6B की अप्सरा वाली पेंसिल यूज कर सकते हो। ओके, मींस अप्सरा कंपनी की 6B पेंसिल यूज कर सकते हो। ओके, सो ये दो टिप हो गए आपके लिए। आगे और सारी टिप्स हैं, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और सारे टिप्स जानने के लिए। ओके, फाइनली हैट नंबर 1 बन के तैयार है। अब बारी है हैट नंबर 2 की। सो हैट नंबर 2 ये थोड़ा सा डिज़ाइनर हैट है, और हैट नंबर 2 बनाने के लिए सेम थिंग्स, आपको दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, फिर उसे शेप दे देना है एक हैट का, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको दिखाया। ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। और एक सजेशन है आपके लिए कि अगर आप हैट बना रहे हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो हड़बड़ी नहीं करनी है कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने की, बहुत आराम से बनाना है। हाँ, बट इतना भी आराम से मत बनाइए कि आपका एग्ज़ाम में टाइम लैप्स हो जाए और आपका जो एग्ज़ाम है वो छूट जाए। तो प्रैक्टिस ज़्यादा करते रहेंगे तो आपको हैबिट हो जाएगी ड्रॉ करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट। तो मैं तो ये कहूँगी डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस कीजिए। सो ये भी हमारा हैट बन के तैयार हो गया, हैट नंबर 2। ओके, हैट नंबर 2 के लिए हमारा टिप नंबर 3 ये है कि आप जब शेडिंग कर रहे होते हो तो अपने हैंड को काफ़ी ज़्यादा गढ़ा करके, जो कहते हैं ना टाइटली हम लिख देते हैं अपने कॉपीज़ पे तो पीछे छप जाता है, वैसा ही मैं कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको टाइटली शेडिंग नहीं देनी है अपने ऑब्जेक्ट पे, अदरवाइज़ ये पीछे उभर जाएगा और आपका जो ऑब्जेक्ट होगा ना काफ़ी ज़्यादा शाइनी हो जाएगा, और जो कार्बन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉपी पे लगने की वजह से इधर उधर स्प्रेड हो जाएंगे। आपके हाथों से तो नहीं, जो आपका पेज कवर होगा उसकी से वजह से ये इधर उधर स्प्रेड हो जाएंगे। तो आपको टाइटली शेडिंग नहीं देनी है, बहुत आराम से हल्के हाथों से शेडिंग देनी है। ओके, सो आप डार्क पेंसिल का यूज़ करोगे तो उसमें तो आराम से शेडिंग हो जाएंगे, ज़्यादा हाथ को गढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये टिप नंबर 3 था। ओके, सो आगे ऐसे और सारे टिप्स हैं, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। सो दिस इज़ द हैट नंबर 3, और ये काफ़ी ज़्यादा नीचे था इसलिए मैंने सोचा इसे थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूँ। तो ये हैट नंबर 3 है, और आप इसे देख सकते हो कि मैंने बहुत इजीली इसे ड्रॉ कर लिया है, आप भी इसे ड्रॉ कर सकते हो। ये सारे हैट्स
काफी ज्यादा इजी है ड्रॉ करने के लिए. आप एक दो बार ही प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए काफी ज्यादा इजी होगा इसे बोर्ड एग्जाम्स में ड्रॉ करना. अदरवाइज अगर कोई आपको कहे कि एक डिजाइनर हेड बनाइए तो आप कोई भी हेड इसमें से चूज कर सकते हो. ओके तो और आपको कोई और हेड पता है, आप इससे अच्छी हेड बना लेते हो तो आप वो भी बना सकते हो. इट्स नॉट एन इशू कि आप कोई इसी में से बनाइए, आप कोई भी बना सकते हो. बट हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होना चाहिए जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपके एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सके आपका हेड. ओके अब मैं तो यही कहूँगी कि आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाइए, जो भी ऑब्जेक्ट आता है आपकी ड्राइंग में बनाने के लिए, उसमें ऐसा ऑब्जेक्ट बनाइए जिसे देखते ही लगे कि हाँ, इस बंदे ने कुछ बनाया है. ओके ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके एक बैलेंस ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. एक बैलेंस शेडिंग होनी चाहिए उसमें, बैलेंस उसमें कार्बन का यूज़ हो. वेल, हमारा जो पेंसिल कार्बन है वो भी काफ़ी ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसमें. ज़्यादा टाइटली शेडिंग नहीं देनी है, हल्के पेंसिल का यूज़ नहीं करना है. टॉप टू बॉटम आप कर सकते हो शेडिंग. ठीक है, ये सारी टिप्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में हेल्प करेंगी. सो वेल, मैं ड्यूरेशन द वीडियो के दौरान मैं टिप्स बताते रहती हूँ, तो ऐसे ही आप हमारे वीडियो के साथ बने रहा कीजिए वीडियो के एंड तक, जिससे आपकी कोई भी टिप्स मिस ना हो जाए. सो ये है हमारा हैट नंबर 4. मैंने वेल चारों हैट बहुत इजी तरीके से बनाए हैं, आप वीडियो में देख सकते हो. काफ़ी ज़्यादा इजी है, कोई भी हड़बड़ी नहीं है, बहुत आराम से आपको हैट बनाना है अगर आप हैट बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हो तो. सारे हैट्स काफ़ी ज़्यादा इजी हैं और ये मुश्किल से मैंने सिर्फ 15 मिनट्स के अंदर बनाया है. सो सारे हैट बन के तैयार हैं. ऑलराइट गाइस, सो आप अब हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके लिए ये वीडियो कितना ज़्यादा हेल्पफुल था. आई होप ये वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी. और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हो सकता है आपके इस साल के बोर्ड एग्जाम्स में हैट पूछ सकता है. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा. और अगर आपको सच में हमारे चैनल से हेल्प मिलती है तो आप भी हमारे चैनल की हेल्प कर सकते हैं. बस एक ही काम करना है, इस चैनल को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा. आप जितना ही ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा इस चैनल को हेल्प मिल सकती है और ये चैनल ग्रो कर सकता है. सो बस मैं यही आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप मेरे चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको मेरी वीडियो हेल्प करती है तो. वेल, चलते चलते मैं आपको एक और बात बता दूँ कि मैंने क्लास 10th के साथ साथ क्लास 12th के लिए भी आलेखन ड्राइंग ड्रॉ करना स्टार्ट किया है. बिकॉज हमारे एक व्यूअर हैं जिन्हें क्लास 12th के लिए आलेखन चाहिए था और जो कि क्लास 10th के आलेखन से काफ़ी ज़्यादा डिफर करता है. सो मैंने उनके लिए क्लास 12th की आलेखन बनाना स्टार्ट किया है. वो वीडियो भी कुछ ही दिन में यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगी. सो तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ.